सिकंदर के हौसले तो आगे से जब गया तो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर पूरी दुनिया को जीत कर जब लौट रहा था अपने घर, एक भिखारी मिल गया उसको, पूरे कपड़े निकाल दिए। उसने कहा कि सिकंदर तुझे मुझे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, आज एक सवाल है मेरे दिल में जो तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। सिकंदर ने कहा पूछ क्या पूछना चाहता। इस जवानी में तूने पूरी दुनिया को जीत लिया, तेरा सपना खत्म हो गया, अब जिंदगी में आगे क्या करेगा। सिकंदर चिंता में पड़ गया, उसके पास जवाब ही नहीं था। तब उस सन्यासी ने सिकंदर को कहा कि पूरी दुनिया को जीतने के बाद भी तू चिंता में है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं। उस दिन सिकंदर ने कहा पूरी दुनिया को जीतने के बाद मैं सीख न सका, वो सीख आपने आज ले ली। घर जाके कहा अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को, जब मैं मर जाऊं मेरी तीन इच्छाएं पूरी करना। एक तो जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे को कफन मत ओढ़ाना, क्योंकि इस सिकंदर ने हर इंसान को दुख दिया है खुद की जीत को पाने के लिए। याद रखना जिस दिन आपकी जीत के लिए आपने किसी को दुख दिया, समझ लीजिए वो जीत कोई काम की न रही, वो जीत नाकाम हो जाएगी। दूसरी बात, जब मैं मर जाऊं मेरे जनाजे के आगे पूरे लश्कर को चलाना, मेरे जनाजे के आगे पूरे परिवार को चलाना। और तीसरी आखिरी इच्छा, जब मैं मर जाऊं तो लोगों को दिखे उसी तरह से मेरे दोनों हाथ ऐसे खुले रखना, ताकि लोगों को पता चले कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला था। कल की चिंता होती है लोगों को, अब से ज्यादा डिनर की चिंता होती है। मैं आपको आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे भी गाने का बहुत शौक है, मैं शौक की वजह से यहाँ तक पहुँचा। कहते हैं कि जिंदगी में अच्छे बुरे लम्हे आके चले जाते हैं, रह जाती हैं आप सबकी यादें, और इन्हीं यादों के जरिए हम अपनी जिंदगी को बसर करते रहते हैं। जैसे हमने कहा, मैं तो ये कहूँगा कभी मैं भगवान को ये प्रार्थना नहीं करता कि आपको कभी दुख न दे, लेकिन ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि जब कभी भी आपको दुख आए इसी तरह से आप एक साथ रहे, ताकि एक साथ रहने से दुख कम हो जाता है। जैसे ही दुआ मैं भगवान को आपके लिए करूंगा। और आखिर में एक बात, बड़ी प्यारी सी बात है, जैसे मैंने कहा कि
इंसान मर तो तब जाता है जब वो नेकी करना छोड़ देता। इसी तरह से कहते हैं कि जिंदगी का पहला प्यार इंसान कभी भूल नहीं सकता। जिस प्यार को हमने किया है उस खुदा के साथ, ये संगीत के जरिए उसी संगीत को बरकरार, उसी संगीत को अमर रखने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत रहेगी। खास करके हमारे सर जो है प्रवीण जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप जैसे लोग रहेंगे तब तक ये संगीत संगीत जिंदा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जोरदार और मैं जरूर ये कहूँगा ये गाने के जरिए मेरे आखिरी लफ्ज, शायद मैं कल का शो करूँ ना करूँ, लेकिन आज इस प्यारे से गाने से, इस प्यारे से महफिल का अंत करूँगा। और आप तो जाइए ही मत, मैं आपको नहीं गा रहा हूँ पहले से। अच्छा, उसके लिए आपकी फ्रेंड को पूछना पड़ता है। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया कि आप बैठे रहे और हस्बैंड वहां चले गए बिना पूछे। लीजिए आपकी इस महफिल का आखिरी अंदाज आप ले पेश करते हुए, बड़ा ही प्यार आपके लिए। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, ये मेरे जुनू का है मौजदा। जहां अपने सर को झुका दिया वहां मैंने काबा बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया।
सिद्धांत अल्क कैड लिक्विड कैल्शियम नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर इंडिया की एकमात्र कंपनी जो FSSAI, USFDA, WHO GMP, ISO 45001 द्वारा प्रमाणित है। सिद्धांत अल्क कैड में कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम है जो अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल एंटीबायोटिक है और ORP संतुलित करता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में एवं 70 से भी ज्यादा बीमारियों में सहाय करता है। सिर्फ 2 बूंद लिक्विड कैल्शियम रोज सुबह शाम 250 ml गुनगुने पानी में डाल के पीने से आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है। सिद्धांत लाइम प्राइवेट लिमिटेड।